बिहार इस वक्त डबल मुसीबत से जूझ रहा है, एक तो बाढ़ का कहर और दूसरी तरफ कोरोना की मार। ऊपर से प्रशासन की नाकामी, सुशासन का दावा करने वाली नीतीश सरकार के दावों की पोल गोपालगंज में पुल का एक हिस्सा ढहने से खुल गया। एक महीने पहले ही 17 घाट महासेतु का उद्घाटन हुआ था और 264 करोड़ की लागत पानी में बह गई। 26 जून को सीएम नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुल का उद्घाटन किया था। लोगों का कहना है कि एक माह पूर्व ही इस पुल का उद्घाटन हुआ था, पानी के ज्यादा दबाव के कारण पुल टूट गया। लोगों के आने जाने का लिंक समाप्त हो गया, जिसमें लालछापर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेनिया जाने का लिंक बंद हो गया है। यह पुल गोपालगंज को चंपारण से और इसके साथ तिरहुत के कई जिलों को जोड़ता था। बता दें, गोपालगंज में बुधवार को 3 लाख से ज्यादा क्यूरिक पानी का बहाव था। इतने बड़े जलस्तर के दबाव से यह महासेतु अप्रोच रोड टूट गया। बैकुंठपुर के फैतलापुर में यह पुल टूटा है। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने इस मामले की जानकारी बिहार के पथ निर्माण विभाग के मंत्री दिनेश नंद किशोर यादव को दे दिया है। इस सेतु का निर्माण बिहार पुल निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था। साल 2012 में इस पुल का निर्माण शुरू किया गया था। निर्माण पूर्ण होने के बाद पिछले 16 जून 2020 को इस महासेतु का उद्घाटन कराया गया था। इस पर तंज कसते हुए आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 8 वर्ष में 263 करोड़ की लागत से निर्मित गोपालगंज के 17 घाट पुल का 16 जून को नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। 29 दिन बाद यह पुल ध्वस्त हो गया। खबरदार, अगर किसी ने नीतीश का भ्रष्टाचार कहा तो इतने की तो यहाँ के चूहे शराब पी जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे भी देश दुनिया की खबर के लिए जुड़े रहे जेड न्यूज के साथ। धन्यवाद।